तो उद्धव गुट को एक बार फिर से झटका लगा। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत स्पीकर के इस फैसले को साजिश बता रहे हैं। आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्रिब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। विधानसभा स्पीकर के फैसले को उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र की हत्या बता दिया। साथ ही स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने इस लड़ाई को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जनता को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे को जाहिर तौर पर क्योंकि झटका लगा है तो उनकी नाराजगी जाहिर है, और अब उनके पास में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो किया गया स्पीकर की ओर से वो निश्चित तौर पर गलत है, और अब हम जो है सर्वोच्च अदालत के पास जाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। तो उद्धव गुट ने यह साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव गुट ने यह साफ कर दिया है कि वो अब इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ठाकरे परिवार के पास यही विकल्प बचा है। इससे पहले चुनाव आयोग भी शिंदे गुट के पक्ष में ही फैसला उन्होंने सुनाया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वो रुख कर सकती है, विकल्प उनके पास बचा हुआ है। लेकिन इसके लिए उद्धव गुट को 30 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कोर्ट में चुनौती देनी होगी, और अगर कोर्ट इस विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले पर रोक लगाता है तो उद्धव गुट को थोड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे के पास ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से साथ जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का भी विकल्प बचा है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट ने इस फैसले को असंवैधानिक और बीजेपी की साजिश बताया है। तो वही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने स्पीकर के फैसले का समर्थन किया है। जो आज निर्णय हुआ है वो संवैधानिक आधार पर नहीं है, ये हमारा मत है, पूरे राज्य और देश की जनता का भी मत है, और ये सोची समझी चाल है, और ये बीजेपी को इसके परिणाम महाराष्ट्र में और देश में भुगतना पड़ेगा। एक तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हूँ। दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे जी के बाजू से निर्णय दिया है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका बैठा है। तो मुझे लगता है कि मैं माननीय राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। वही निर्णय होने की हमें अपेक्षा थी और वैसा निर्णय हो चुका है। आज महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया वो संवैधानिक था। महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया है खेल क्या है। तुम पार्टियां ही खत्म करना चाहते हो, उसके नेताओं को ही खत्म करना चाहते हो, तो ये महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी।